पहले मैंने है ना भाग एक में ये बताया था, यूज ऑफ अनलेस इन प्लेस ऑफ इट, यानी इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करना। तो ये डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट वाले वाक्य मैं पहले भाग में बता चुका हूँ। अब मैं आपके लिए बताऊंगा हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट हो तो क्या करते हैं। तो याद रखें, हेल्पिंग वर्ब के साथ में यदि नॉट होता है तो केवल नॉट हटाते हैं और कुछ नहीं, ठीक है, बाकी सेम टू सेम रहता है। इफ की जगह पर हम अनलेस लगाते हैं। तो देखिए ये एक्सरसाइज दी गई है, If I am not permitted, I will not go to cinema. अब इसका हमें बनाना है आंसर। तो देखिए if को हटाकर आप क्या लिखेंगे, if को हटाकर आप लिखिए unless, ये आपका सब्जेक्ट आई। हेल्पिंग वर्ब के साथ में यदि नॉट हो तो केवल हमें नॉट हटाना है। तो ये हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट है तो ये केवल नॉट हटेगा, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं हटेगी। तो एम इसके बाद जैसा है आप जैव कते उतार दें, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। ये क्या लिखा है, परमिटेड, ठीक है, ये कॉमा और फिर आई विल नॉट गो टू सिनेमा, गो टू सिनेमा, ठीक है। अब आपके लिए एक और कंडीशन बनती है कि भाई ये हमने अभी ये चार वाक्य जो बताए गए हैं उसमें इफ पहले से ही था, शुरू में था। अब यदि इफ बीच में आ जाता है तो उस कंडीशन में क्या करें। नियम आपका वैसा ही है जैसे हमने चार सेंटेंसों में आपके लिए बताया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना, जैसा आपके लिए सिखाया गया है वैसा ही आप करें। जैसे ये लिखा गया है तो इसको हम दो प्रकार से बना सकते हैं। देखिए पहला तो आप यहां से लेके यहां तक ज्यों का त्यों उतार दें, He will not come. अब आपके लिए नियम क्या है, एक को हटा करके हम क्या करते हैं, अनलेस लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख दें, अनलेस, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट यू। फिर हमें क्या करना है, डू नॉट हटाते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो ये डू नॉट लिखा है, इसको आप हटा दें। तो फिर क्या करना है, जैसा लिखा है वैसे ही का वैसे ही लिख दें। क्या लिखा, इनवाइट हिम, तो ये लिख दिया हमने इनवाइट हिम, ठीक है। या फिर इसको दूसरे रूप में बनाएं, और इसको दूसरे रूप में कैसे बनाएंगे आप, है ना, शुरुआत से ही अनलेस लिखे, कैसे, यहां से शुरुआत करें, एक को हटा कर क्या लिखते हैं हम, अनलेस। तो ये हमने लिख दिया अनलेस, ठीक है। फिर ये आपका यू, डू नॉट हटाते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं करते, तो ये डू नॉट आपका हट गया, क्या बचा, इनवाइट हिम, तो ये लिख दीजिए इनवाइट हिम। उसके बाद आपका नियम क्या होता है भाई, जैसे इसमें आप देखिए तो क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं, तो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, कॉमा, और फिर ये जो वाक्य बना है वो जाएंगे तो उतार दें। लेकिन याद रखें ये बड़ा है तो इसको छोटा बनाना पड़ेगा, तो ये ही का एज जो है ये छोटा बनाया, ही will not come। अब आप याद रखें कि unless की चार कंडीशन होती हैं, वो चारों कंडीशन मैंने आपके लिए बता दी हैं। ये 9 से लेके 12 तक क्लास में एक नंबर का ग्रामर सेक्शन में आता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।